हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनी गोबर गैस प्लांट के बारे में, जो कि फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का होता है। तो फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जिसमें वो लोग दिखाते हैं कि जो हमारा मिनी गोबर गैस प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आप अगर इसे घर पर बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, क्या है इसके पीछे की सच्चाई और वो लोग आपको किस तरीके से दिखाते हैं, और अगर ये वर्क करता है तो कितना वर्क करता है और किस तरीके से करता है, तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, गोबर गैस मिनी प्लांट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बोतल ले लेनी है। बोतल ले लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसके ढक्कन को खोल लेना है। खोल लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसके ढक्कन में किसी भी चीज़ से छेद कर लेना है। तो चलिए छेद कर लेते हैं। फ्रेंड्स, छेद करने के बाद फ्रेंड्स, आपको ज़रूरत होगी एक आईवी सेट की। तो फ्रेंड्स, इस आईवी सेट को आपको किसी भी मेडिकल शॉप से ले लेना है, या फ्रेंड्स आप किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं पुरानी। अब फ्रेंड्स, आपको इस आईवी सेट को इस ढक्कन में कुछ इस तरीके से फिट कर लेना है, और फिट कर लेने के बाद फ्रेंड्स, आपको इस पर फेविक्विक लगा देनी है अच्छे से, ताकि ये फ्रेंड्स एयर टाइट हो जाए और इसमें से गैस लीक ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने इस पर अच्छे से फेविक्विक लगा दी है और फिलहाल हम इसे साइड में रख देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम गाय या भैंस का गोबर ले लेंगे और इस गोबर में फ्रेंड्स हम 1 से 1.5 लीटर पानी को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी को डाल दिया है और फ्रेंड्स, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक हम इसे मिक्स कर रहे हैं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस बोतल में गोबर को डालने के लिए ये छोटा सा जुगाड़ बनाया है फ्रेंड्स, बोतल को काट कर। तो फ्रेंड्स, इसे हम कुछ इस तरीके से लगा कर इस बोतल में हम गोबर को डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस गोबर को इस बोतल में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस बोतल में गोबर को कुछ इतना भर लेना है, और फ्रेंड्स इसके बाद हमें ले लेना है ये ढक्कन जिसमें हमने आईवी सेट लगाई थी। और फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम इस बोतल को कुछ इस तरीके से दाब कर इसकी अंदर की जो एयर है वो बाहर निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, एयर को बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स, हम इस ढक्कन को इस पर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस ढक्कन को आपको अच्छे से इस पर टाइट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम इस आईवी सेट के कंट्रोलर को बंद कर देंगे, ताकि जो हमारी गैस है वो निकले नहीं। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा गोबर गैस मिनी प्लांट है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स, अब आपको इसे 15 से 20 दिन के लिए धूप में रख देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसे 15 से 20 दिन के लिए रखना है। फ्रेंड्स, YouTube पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें वे बताते हैं कि आपको इसे 3 से 4 दिन के लिए धूप में रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें 3 से 4 दिन में कुछ भी गैस नहीं बनती है। फ्रेंड्स, 15 से 20 दिन बाद आपकी जो बोतल है फूल कर बहुत ही टाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको 15 से 20 दिन का इंतज़ार ना करना पड़े, इसीलिए हमने एक बोतल को बिल्कुल इसी तरीके से 15 से 20 दिन पहले तैयार करके रख दिया था। और फ्रेंड्स, वो रही ये बोतल। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस बोतल को, फ्रेंड्स ये फूल कर एकदम टाइट हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस गोबर गैस मिनी प्लांट का टेस्ट कर लेते हैं कि ये किस तरीके का वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे चल रही थी हवा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो गोबर गैस मिनी प्लांट की गैस है वो किस तरीके से जल रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रेंड्स जल तो रही है, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं जल पा रही है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किस तरीके से जल रही है।
और फ्रेंड्स मैं इसे जैसे ही हटाता हूँ मोमबत्ती से, तो ये फ्रेंड्स बुझ जाती है, ये कंटिन्यू नहीं जल पा रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो गोबर गैस मिनी प्लांट की गैस है वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती है जिस तरीके से यूट्यूब पर दिखाते हैं। फ्रेंड्स यूट्यूब पर दिखाते हैं कि वो जो गैस है हमारी वो कंटिन्यू वर्क कर रही है, लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो गोबर गैस मिनी प्लांट की गैस है वो इसी तरीके से वर्क करती है, ये फ्रेंड्स कंटिन्यू नहीं जल पाती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो यूट्यूब पर मिनी गोबर गैस प्लांट दिखाते हैं वो किस तरीके से बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और किस तरीके से जो उसकी आग है वो किस तरीके से कंटिन्यू जल पाती है। फ्रेंड्स वो लोग क्या करते हैं, वो इस तरीके का कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा लेकर, फ्रेंड्स ये वही कैल्शियम कार्बाइड है जिसका यूज फलों को पकाने के लिए और गैस वेल्डिंग वाले लोग करते हैं। फ्रेंड्स वो इस तरीके का कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा लेते हैं और फ्रेंड्स इस बोतल के ढक्कन को खोलकर वो लोग इसमें डाल देते हैं और फ्रेंड्स इस कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े से बहुत जल्दी इस बोतल में गैस बन जाती है। तो फ्रेंड्स इसमें गैस बन गई है और अब मैं आपको इसे जलाकर दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जलती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस आईवी साइड के कंट्रोलर को खोल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे जलाकर देखते हैं कि ये किस तरीके से जलती है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने कमाल के तरीके से जल रही है, लेकिन फ्रेंड्स ये गोबर गैस नहीं है, ये है फ्रेंड्स एसिटिलीन गैस जो कि कैल्शियम कार्बाइड को पानी में मिक्स करने से बनती है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि गोबर गैस नहीं होती, गोबर गैस होती है, लेकिन फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए हमें इसके बड़े प्लांट की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मिनी गोबर गैस प्लांट है वो कितना वर्क करता है और कितना नहीं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।